Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो इसीलिए मैं आपको, मुझे कहीं बाहर जाना था तो इसीलिए मैं फटाफट ये रेसिपी बना रही हूँ, तो सोचा ट्राई आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सारे गरम मसाले लिए हैं, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, सॉरी हाफ टी स्पून जीरा है और दालचीनी है, थोड़े से लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, ये है। इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे और मैंने आधा किलो का बना रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है, मैंने इसके अंदर मैंने हाफ के जी मेरा क्या बोलते हैं उसको मिक्स वेजिटेबल है और हाफ के जी राइस है, तो मैंने इसके अंदर ऑयल लिया हुआ है 4 टेबलस्पून। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज है जिसको मैंने स्लाइसली कट कर लिया है, उसको इसमें अभी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा पिंक कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके प्याज के साथ में ही मैं आलू डालूंगी ताकि जब प्याज पके उसके साथ में ही आलू भी पक जाए। आलू को पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आलू भी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए पूरा पुलाव पकने तक। प्याज का कलर चेंज हो गया है और मैंने आलू इसके अंदर पहले इसीलिए डाला है ताकि पूरी सारी सब्जी जो है वो जल्दी से पक जाती है, लेकिन आलू को पकने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने आलू पहले डाला हुआ है कि जब सारा खाना हमारा पकेगा तो उसके साथ साथ ही आलू भी हमारा पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, जब तक इसके रॉ स्मेल नहीं चले जाती तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है, तो अभी मैं फटाफट इसके सारे ड्राई मसाले ऐड करूंगी। तो ड्राई मसाले यहाँ पर देखिए, धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर धनिया पाउडर मैं ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून। तो 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, और अगर आप इसमें दही ऐड करोगे तो दही भी बहुत अच्छा है, दही भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे देखिए गरम मसाला पाउडर मैंने अराउंड 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया हुआ है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपने सिर्फ इसको 30 सेकेंड्स ही मिक्स करना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए 30 सेकेंड्स हो गए, तो अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए मेरे पास में टमाटो प्यूरी है, ये मेरी मम्मी जब भी टमाटर सस्ते होते हैं तो उसको लेकर आके बना देती है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली 2 टमाटर मीडियम साइज के लो, उसको ग्राइंड कर लो या तो फिर फाइनली चॉप कर लो और उसको इसमें ऐड कर दो, अगर आपके पास में ये नहीं है तो। अभी मुझे जल्दी जल्दी बनाना है, बनाकर बाहर जाना है, तो ये मैं जल्दी जल्दी से इसके अंदर मैंने टमाटो प्यूरी यूज कर लिया है। आप चाहो तो अगर आपके पास में नहीं है तो टमाटर, 2 टमाटर को बारीक सा पीस के भी आप ये कर सकते हैं, या तो फिर बारीक सा चॉप करके भी डाल सकते हैं। अभी इसको हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे टमाटर को। तो यहाँ पे देखिए टमाटर को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इसके अंदर सारी सब्जी ऐड करेंगे। तो सब्जी देख लीजिए मेरे पास में, जो भी आपके पास में है अब वो सब्जी ऐड कर देना। मेरे पास में यहाँ पर मैंने जो सब्जी वाले को कहा था कि सारी मिक्स सब्जी दे दे, तो उसने मुझे सारी मिक्स सब्जी दे दी। आप नॉर्मली इसको वटाने और ये फ्लावर और गाजर के साथ में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सारी मिक्स सब्जी ली हुई है। इसमें फ्रेंच बीन्स है, गाजर है, टेंगली है, शिमला मिर्च है और गवार है और गेवड़ा है के अंदर, और फ्लावर है, तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कोई भी आपके पास में जो, और इसमें अभी मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने के बाद में इसको हम स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट आप डाल दीजिए, मैंने भी अपने हिसाब से ही सॉल्ट डाला हुआ है। और अभी मैं जब ये 5 मिनट इसको दम पे रख दूंगी और स्लो पे रख दूंगी ढककर, और फिर 5 मिनट के बाद में क्रिस्पी ही रहना चाहिए, एकदम गलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ हाफ कुक करूंगी अभी, और बाकी का जो हाफ है वो हमारा राइस के साथ में ही हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें ढक देती हूँ इसको और फिर 5 मिनट के बाद में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट अच्छे से हो गए हैं और ये सब्जी जो है अच्छे से हो गई है, हाफ डन हो गई है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें राइस ऐड कर दूंगी। चावल को अच्छे से धो के ले लेना है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से धो के रखा हुआ है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पानी इसमें ऐड करना है 1.5 ग्लास, हमेशा ज्यादा।
तो अभी मैं इसके अंदर अपने हिसाब से कर रही हूँ, पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। और इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पुलाव था उसका पानी अच्छे से सूख गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये देखिए अराउंड ये 1 टीस्पून है कसूरी मेथी डाल देंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्चें हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए मोटी वाली हरी मिर्ची ली है मैंने, जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, आप चाहो तो तेज़ वाली भी ले सकते हो। और इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और इसको ढककर 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए जो सब्जी है वो भी एकदम, जैसे बहुत से लोगों का क्या होता है एकदम गल गल जाती है, तो वैसी नहीं गली है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से है, थोड़ी सी क्रंची है। तो अभी मैं इसे ढक दूंगी और ढक कर इसको मैं, तो यहाँ पे देखिए 7 मिनट अच्छे से हो चुके हैं, अभी मैं देख लेती हूँ। ये देखिए इसको धुआं भी आ रहा है, तो ये अच्छे से पक गया है चावल, 1 पॉट रेसिपी है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये पुलाव बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको, आपको चावल भी अच्छे से पक गए, आलू दिखा देती हूँ। मेन आलू का ही रहता है, सारी सब्जियाँ तो पक जाती है लेकिन आलू ही मेन होते हैं। तो ये देखिए आलू भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए आलू भी अच्छे से, क्योंकि आलू को पकने के लिए टाइम लगता है, तो इसको पहले अगर आप डाल दोगे तो ये जल्दी मतलब अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए बहुत ही खुले खुले से देखिए पुलाव बना है। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।